19 से ज्यादा सीटें जीतकर लोकसभा चुनाव में हैट्रिक लगाने का पार्टी कार्यकर्ताओं से आह्वान किया है। मुझे विश्वास है कि मोदी जी के नेतृत्व में चूना लगाने वाली कंपनी के आईपीओ में निवेश करके पैसे के नुकसान से आप डर रहे हैं। बेस्ट आईपीओ निवेश करना चाहते हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, आईपीओ निवेश में एक्सपर्ट बने। नड्डा जी के संगठनात्मक नेतृत्व में 19 से भी ज्यादा बड़े बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी चुन कर आएगी और मोदी जी फिर से इस देश के प्रधानमंत्री बनकर इस देश का नेतृत्व करेंगे। इसका हम सबको भरोसा है। मैं समग्र पार्टी की ओर से श्रीमान नड्डा जी को हृदय पूर्वक बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। यही नहीं, बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के दूसरे दिन पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के एक्सटेंशन पर मुहर लग गई है। श्री जगत प्रकाश नड्डा जी को राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने आज सर्वानुमत प्रस्ताव किया है। श्री राजनाथ सिंह जी ने इस प्रस्ताव को रखा और सभी भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने इसको सहर्ष हर्ष ध्वनि के साथ सर्वानुमत से स्वीकार किया है कि जगत प्रकाश नड्डा जी को जून 2024 तक भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में इनके कार्यकाल को बढ़ोतरी की जाए। आपको बता दें कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल अगले साल यानी जून 2024 तक के लिए बढ़ाया गया है। नड्डा को जून 2019 में कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था। जाहिर है बीजेपी ने इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव के साथ साथ 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए भी पूरी तरह कमर कस ली है। कल बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में जेपी नड्डा ने दो टूक कहा था कि पार्टी को इस साल सभी 9 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करनी है। मोदी जी का जो करिश्माई नेतृत्व है, जो लोकप्रियता है, वो लोकप्रियता को मत में परिवर्तित करने में और मत को मतदान मथक तक पहुंचाने में नड्डा जी का नेतृत्व में संगठन का बहुत बड़ा योगदान रहा है। मोदी जी की लोकप्रियता को पूरे देश भर के अंदर इसको आधार बनाकर भारतीय जनता पार्टी के काम को विस्तार करने में भी उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चूना लगाने वाली कंपनी के आईपीओ में निवेश करके पैसे के नुकसान से आप डर रहे हैं? बेस्ट आईपीओ निवेश करना चाहते हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, आईपीओ निवेश में एक्सपर्ट बने।